टिकट वैलिडेट ना करवाते तो 34 pounds पे करना पड़ता हमें पार्किंग का 24 hours का 24 hours का 10,000 rupees से ऊपर सिंपल वर्ड्स में। आज फील हो रहा है यार ग्लासगो की वाइब प्रॉपर वाली। यार ये स्टैचू चेक करो किसने उसके ऊपर कौन रखी हुई। अब जब दो SRG के फैन मिलेंगे तो फिर इससे बेटर ट्रीट क्या हो सकती है। मतलब हेलो गाइस, ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी भी उठे यार, नाश्ता मिस कर दी क्योंकि कल इतनी लंबी ड्राइव थी कि उसके बाद तो सोना बनता था, तो बस नींद पूरी की है, नाश्ता स्किप किया है। लेकिन जो व्यू है ना यार, वो ऐसा है प्रॉपर, वो फुल कैरेक्टर वाला स्कॉटलैंड यार। जस्ट लुक एट दैट, वाओ। बाहर जाते फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, अभी फिलहाल के लिए बस बैठ के थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि आज का दिन का प्लान है क्या, क्योंकि मेन ट्रिप जो था ना वो था कि लॉन्ग ड्राइव, और उसके बाद अब यहाँ पे फर्दर एक्सप्लोर करने वाला जो सीन है ना वो भी डिसाइड करना है, तो बस वही डिसाइड करने लगे हैं यार। तो अभी सीन ये बना है कि यार बस तैयार होते हैं, जाते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, जाके वो एक नमक मंडी रेस्टोरेंट था वो देखा था, उसको एक्सप्लोर करते हैं। मतलब वो कबाबिश ने तो डिसअपॉइंट किया रात को, मतलब ओके था बस गुजारे के लिए, उस टाइम के लिए सही था। अभी फिलहाल के लिए बस नमक मंडी जाते हैं, क्योंकि नाश्ता करेंगे तो ही कुछ दिमाग से लेगा कि करना क्या है फर्दर दिन में, तो बस वही वाला सीन है। अभी बस तैयार होना है, निकलना है, नमक मंडी को ड्राइव करना है। चलें फिर निकले। कहाँ भाई, कहाँ? नमक मंडी। हाँ हाँ, नमक मंडी बहुत दूर पड़ जाएगा ब्रो यहाँ से। नहीं, नकली वाला नमक मंडी पता नहीं, अब असली निकला है शायद, यू नेवर नो। ट्राई करना पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है ना, ट्राई करना तो बहुत जरूरी है भाई। एक मौका देना चाहिए हर इंसान को भी, एक मौका देना चाहिए और खाने को भी, तो बस अभी मौका देने जा रहे हैं। यार तो ये है ग्लासगो का व्यू दिन में, कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे सीन। अभी पार्किंग की टिकट वैलिडेट करवाई है, अगर पार्किंग की टिकट वैलिडेट ना करवाते तो 34 pounds पे करना पड़ता हमें पार्किंग का 24 hours का 24 hours का 10,000 rupees से ऊपर सिंपल वर्ड्स में पाकिस्तान। और अभी हमें 8 pounds में पड़ गया। 8 pounds कितना बना? दैट्स गुड यार, 8 pounds इस वक्त पड़ा है 3,000 rupees। काफ़ी ज़्यादा सेविंग है तो करवा लेना चाहिए यार। अभी वॉक करते करते थोड़ा सा एहसास हुआ है कि यहाँ की जो थोड़ी सी वाइब है ना वो न्यूयॉर्क काइंड ऑफ है, तो अच्छी वाइब है यार। मतलब एक ग्रैंड बिल्डिंग्स और ग्रैंड बिल्डिंग स्टैचूज। यार लेकिन खाना खाने से पहले सोचा कि जब यहाँ पे आए हैं तब तक डे लाइट है, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ले लीजिए, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना यार कि स्कॉटलैंड आए थे और यहाँ पे इंजॉय किया था, पिक्चर्स लीजिए, क्योंकि वीडियोस की अपनी बात है, जो पिक्चर आपके साथ बात करती हैं उसकी अपनी बात होती है, तो बस वो वाली बात करने आए, पिक्चर्स लेने आए। वहाँ पर ये ब्रिज, यहाँ चलते हैं सेंटर में। वाइब है यार यहाँ की, आज फील हो रहा है, कल ज़रा अंधेरे अंधेरे में था ना, आज फील हो रहा है यार ग्लासगो की वाइब प्रॉपर वाली, सही सीन है। वाओ यार, वाइब है इधर की, डैम नेक्स्ट लेवल। वाओ भाई, वो देखें, वो देखें, क्या बात है यार, क्या खूबसूरत है, क्या बारिश हो रही है, मज़ा आ गया। यार तो सीन ये कि अगर न्यूयॉर्क नहीं गए हो ना और थोड़ी सी वाइब लेनी हो इसकी, और स्कॉटलैंड आ सकते हो, ग्लासगो आ सकते हो, तो यहाँ पे आके ये वाला सीन इंजॉय कर सकते हो। यार तो ये रहा नमक मंडी, और यहाँ पे अब कुछ खाना वाना चलने वाला है, फुल पेशावर वाली वाइब इन्होंने यहाँ पे कैरी ऑन की हुई। अब आई होप यार खाना भी वैसा ही हो, है ना, नमक मंडी वाला हो जरूरी है। हाँ जो रात को हुआ है हमारे साथ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता लॉट ऑफ फूड है, कल तो बस मजबूरी में खा ली थी, अब खाएंगे सुकून के साथ ना, सुकून के साथ एनवायरनमेंट में बैठ के। अभी बस हाँ, अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, अभी लेट नाइट, अभी अगर ड्राइव पे निकल गए या जो भी है, अभी फिलहाल खाते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं। ऐसे कैसा लगा पता है, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। Both mazedar. Yeah, it's actually good. Actually good. जो खैबर ग्रिल खाने का मादी है ना उससे गुड है ये, गुड है। नमक मंडी से खाना खा के तो निकल आए, और खाना जो था ना वो मतलब सही था। क्यों यार, अगर देखा जाए ग्लासगो में जिस तरह का खाना है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतरीन,
खाया जा सकता है या तो अगर कभी ग्लासगो आ रहे हो और अगर दिल कर रहा है कि अच्छा खाना खाना है तो नमक मंडी आ सकते हो और चरसी कढ़ाई और चपली कबाब जरूरी है डेफिनेटली। अभी फिलहाल के लिए हमारा प्लान है कि यार अभी हम जाएंगे कॉफ़ी शॉप पिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मतलब ऐसे ही होता है ना हॉलीडेज़ पे, आप जब सिटी ब्रेक पे या लॉन्ग ड्राइव पे जो भी आए होते हो तब तो ऐसे ही होता है ना, अनप्लान चीज़ें होती हैं, उस मज़ा उसी का होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यार ये स्टैचू चेक करो, किसने उसके ऊपर कौन रखी हुई है। पाकिस्तान में किसी स्टैचू की ऐसी तोहीन हो तो क्या होगा, वहाँ पर तो दंगे हो जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान में स्टैचू होता ही नहीं है या, ये बात तो वैसे सोची नहीं मैंने। ये तो है, पाकिस्तान में स्टैचू पर कौन रखने की बात ही नहीं है। पाकिस्तान में स्टैचू होगा तो वो टूट जाएगा। पहली बात तो ये, कॉफ़ी ढूंढते ढूंढते प्रॉपर कॉफ़ी शॉप ढूंढते ढूंढते ना हम लोग इतना सवार हो गए थे कि हमने कहा यार चलो छोड़ो कॉफ़ी को, कुछ मीठा खाते हैं। अब मीठा खाने के लिए हम लोग कुछ मीठा हो जाए और उस मीठे के लिए हम लोग आए इधर ये हेवनली डेजर्ट में। और क्या पता चला, टोटल हलाल है। टोटल हमेशा एक बात याद रखना कि मीठा जो है ना वो पेट में नहीं जाता, मीठा हमेशा दिल में जाता है। हाँ, ये बात मैं सालों से करता आ रहा हूँ। या तो समझ लो इस चीज़ को। तो अभी बस ये कुछ देखते कि मेन्यू में क्या है यहाँ पे और कुछ सही फर्स्ट क्लास किस्म की चीज़ ऑर्डर करते हैं। इतनी कन्फ्यूजन ना कुछ भी डिसाइड करने में नहीं होती जितना मीठा डिसाइड करने में हो रही थी। अब कुछ मंगवा लिए, अभी आते तो दिखा दो। यार ये पिक्चर में छोटा नहीं लग रहा था, ये तो मुझे गुलकंद लग रहा है भाई। पान वाले की दुकान पे मिलता है ना। यार एक्चुअली में कुछ मंगवा तो लिए अभी हमने, अब देखते हैं अभी दूसरी वाली चीज़ आ रही है। दूसरी डिश आ गई है गर्मा गर्म ठंडी, मतलब ऐसा ही है कुछ, यहाँ से हीट आ रही है यहाँ से ठंड आ रही है। ठंडा गर्म फुल बीमारी बीमार होने की तैयारी है। लेकिन क्या लग रहे हो यार, ओए होए होए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, कुछ भी नहीं होगा यार, यू गॉट टू ट्राई दिस यार। तो होगी नमक मंडी, और अगर उसके बाद अगर मीठा खाने का कुछ दिल है ना तो हेवनली डेजर्ट में आके आप खा सकते हो डेफिनेटली, मतलब 100% रिकमेंडेड वाला सीन है। उसके बाद अब हमारा जो कल का प्लान है एक और रोड ट्रिप छोटा सा दूसरे सिटी में जाने वाले हैं, स्कॉटलैंड के एडिनबरा जो कि कैपिटल है, यहाँ से थोड़ी सी ड्राइव है। पर जो सीन सुना है कि काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर, रास्ते में सीनिक व्यू है और वो सारा है, वो तो कल पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने वहाँ के लिए होटल जो था वो डन कर लिया और वी ऑल सॉर्टेड। अभी फिलहाल रात पड़ी है, बाद भी पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। क्यों, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार तुम। जो भी कह रहे हो सच कह रहे हो भाई। यार बारिश ऐसी थी कि ना सारे प्लान जो है ना वो ख़राब हो गए। अभी बस हम बैठे हुए हैं अपने होटल रूम में और इन्जॉय क्या कर रहे हैं, एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई है द रोमांटिक्स, और बीइंग एसआर के फैन तो फिर ये तो बनता है। अब जब दो एसआरकी के फैन मिलेंगे तो फिर एसआरकियंस तो फिर इससे बेहतर ट्रीट क्या हो सकती है। मतलब द रोमांटिक्स वो एक एरा ही अलग है जो डिस्कस हो रहा है इसमें। अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखना। फिलहाल क्या करते हैं कि यार इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर एज ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।